सबों को खुश आमदीद। आज हमने आपको मदद किया यहाँ जो हालात इस वक्त इस डिमोलिशन ड्राइव बिलडोज़र का सारे स्टेट में चल रहा है उस हवाले से हमने मुझे लगता है सबसे पहले ये शुरू हुआ तो हमारे प्रेसिडेंट ने गवर्नर साहब को भी खत लिखा, ट्वीट उससे पहले किया, तो मुझे नहीं लगता है कोई फ़र्क पड़ा इस वक्त तक। आज हमने मुनासिब समझा कि आप लोगों के साथ हमारे प्रेसिडेंट इस पर बात करना चाहते हैं और तफसीलन बात करना चाहते हैं। मैं आनबर प्रेसिडेंट को दावत देता हूं कि वो आपके साथ बात करें। ये जो इविक्शन ड्राइव है स्टेट लैंड रिट्रीव करने की, इसके अपने मेरिट्स हो सकते हैं, लेकिन कोई भी काम करने के लिए एक कायदा कानून होता है। द लॉ ऑफ द लैंड कैन नॉट बी वायलेटेड, द लॉ ऑफ द लैंड हैज टू बी ओबेड। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी जो सोशल मीडिया पर, वो कोई दिन नहीं इंक्लूडिंग आज का दिन जब वीडियोस नहीं आते हैं जहां गरीब लोगों को जो तीन मरले चार मरले पर बैठे हैं उनके घर बुलडोज किए जा रहे हैं। और ये भी कोई दिन नहीं है कि जब एलजी ऑफिस से बयान नहीं आता हम गरीबों को टच नहीं कर रहे। अब दो बातें हैं, या तो वो वीडियो झूठे हैं या एलजी ऑफिस के यहाँ से झूठ बोला जा रहा है। दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान में एक सिस्टम है कि नोटिस दी जाती है। इट्स नॉट ओनली द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस बट इट्स ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड दैट यू हैव टू गिव अ नोटिस। ये बताएं कौन सी नोटिस कहाँ ये दे रहे हैं। चलो अमीर लोगों को तो फिर भी नोटिस देते हैं, ये दिल पर हाथ रखकर करें, जिन गांव में ये गए हैं वो तीन मरला चार मरला वालों के पीछे किसी को नोटिस दी है? आखिरकार हर एक को हक बनता है कि वो एटलीस्ट अपने कागज तो देख ले। आके आना और बुलडोज करना, ये जो है ये मुझे नहीं लगता है कोई तरीका। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट? डू दे वॉन्ट टू रिट्रीव लैंड और डू दे वॉन्ट टू ह्यूमिलिएट द पीपल ऑफ कश्मीर? मुझे लगता है ह्यूमिलिएशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। 100-200 पुलिस का दस्ता हो, रेवेन्यू ऑफिसर 50-60 हों, फिर हमारे जर्नलिस्ट भाई पहले आ गए होते हैं, फिर मार्केटिंग ऑफ इमोशंस, छोटे बच्चे 5-6 साल के उनको घर से निकालते हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? व्हाट आर दे? और जम्मू कश्मीर तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। ऑल वी आर सेइंग इज दैट जो आप बाकी जगह हिंदुस्तान में कर रहे हो वो आप इधर भी करो। वहाँ आप या हमारे एलजी साहब हैं ये यूपी में हैं, क्या यूपी में सारी लैंड ले ली? अब यहाँ आके कोई ये नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आई थिंक दिस गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड दैट एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ मेक शिफ्ट टेम्प्ररी अरेंजमेंट। दे शुड लीव सम बिगर डिसीजंस टू द न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट। दे कॉन्ट टेक ऑल द डिसीजंस एट द एंड ऑफ द डे, दे आर नॉट इलेक्टेड बाई पीपल। ये कितनी भी बात करें, हिंदुस्तान के आईन में स्टेट्स का अलग पावर है और यूनियन गवर्नमेंट का अलग पावर है। यहाँ इलेक्शन नहीं हुए हैं इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने किसी बंदे को भेजा है कि भाई साहब आप तब तक देख रेख करो। नो, ही कांट टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ जेएंडके। यू नो, आई अपील टू माय प्राइम मिनिस्टर कि मुझे गलत फहमी थी कि आप हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। प्लीज मुझे बताइए मेरा प्राइम मिनिस्टर कौन है, उन गरीबों का कौन प्राइम मिनिस्टर है जिनको आप बुलडोज कर रहे हो? और मजे की बात एक और है, ये मैक्सिमम एंक्रोचर्स 90% मुसलमान है, 95% एंक्रोचर्स मुसलमान है, 2-4 को डाल दिया दिखाने के लिए बाकी सब मुसलमान है। हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारी ये गलतफहमी दूर करें ना। हमारा एलजी कौन है? यू कांट डू दिस। और ऐसा नहीं है, ये जो भी लोग कर रहे हैं ये कबाल है ऑफिसर्स का, 5 हैं 7 हैं 8 हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ भी हैं, इलेक्शन वालों के खिलाफ भी हैं, ये उनका कबाल है। और 2 साल के बाद एक भी यहां नहीं होगा, या वो रिटायर होकर वापस चले जाएंगे, वो सब टूरिस्ट हैं। ये टूरिस्ट इतनी बर्बादी करे इसके सोसाइटल इंपैक्ट होंगे। इफ यू आर क्रिएटिंग होमलेसनेस, इफ यू आर इन्वेंटिंग होमलेसनेस,
बाद में तो हमारे बच्चों ने, हमने, आपने सब मिलकर उसके जो सोशल इम्पैक्ट होगा वो किसने करना, ये तो टूरिस्ट लोग तो उठ के चले जाएंगे। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि प्लीज गेट आउट ऑफ योर एरोगेंट मोल्ड, दिस देम एंड अस, कि ये जो देम हैं सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए, ये गांधी जी के तीन बंदर हैं, न इन्होंने कभी करप्शन की है न ये कभी करेंगे, और जो सेक्रेटेरिएट से बाहर हैं सारी गंदगी उनमें है। दिस कैन नॉट बी ट्रू, दिस जस्ट कैन नॉट बी ट्रू दैट अ ग्रुप ऑफ सिक्स पीपल आर एंजल्स हु हैव डिसेंडेड फ्रॉम अर्थ, न उनने पीछे कोई गलती की है ना आगे करेंगे, और उनके पास इतनी मॉरल अथॉरिटी है कि वो गरीबों के घर में जाकर बुलडोज कर दें। एंड लेट देम अंडरस्टैंड दैट देयर हैज बीन अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस रीजन, बड़ी मुश्किलों से हम, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर लाइव्स, डोंट बिकम डिसरप्टर्स इन आवर लाइव्स। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अगर आपको कोई सवाल पूछना है आप पूछिए, बाकी जो ये बड़े लैंड ओनर्स के खिलाफ कर रहे हैं हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। जो बड़ा लैंड ओनर है उसके पास इतना पैसा है वो कल वकील लाएगा और सारा लैंड वापस लेगा, ये भी लिख लेना। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आज ये जितने अमीर लोग हैं एक एक अपनी जमीन वापस ले लेगा, मरेगा गरीब वहाँ, ये याद रखना। सजाद साहब, चीफ सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया कि दरवाजे कोर्ट के खुले हैं लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, लगातार इविक्शन ड्राइव्स होंगे, तो उसके स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? आई डोंट नो, आई मीन टू से आई फाइवर इन दिस प्लेस आई वुड नॉट मेक सच अ डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। कोर्ट कितने फ्री हैं यहाँ? अरे साहब, मैंने तो ये भी सुना है कि ऑर्डर वहाँ से ये है कि जो बयान देगा पहले उसके पीछे जाओ, तो कोर्ट और ये क्या है, दे शुड कम आउट ऑफ दिस एरोगेंस, लेट हिम ऑल्सो कम आउट ऑफ हिज एरोगेंस। ऐसे बयान नहीं देते हैं, बुलडोजर इज नॉट समथिंग दैट इंडिया शुड बी रिप्रेजेंट विद इन कश्मीर। इंडिया शुड बी रिप्रेजेंटेड बाई कंपैशन, बाई लव एंड बाई अफेक्शन। आई डोंट थिंक द बेस्ट थिंग ऑफ इंडियननेस इन कश्मीर शुड बी बुलडोजर, दैट इज द लास्ट थिंग दैट वी शुड सी। मैंने बोला नोटिस दे नहीं रहे हैं, मैं कह रहा हूँ दे आर नॉट गिविंग एनी नोटिस। मैं इनको भी बताना चाहता हूँ, ये कोई मर्दानगी नहीं है कि 300 पुलिस ऑफिसर जाता है, फिर उसके साथ अमला होता है, फिर एक गरीब के घर जाते हैं, इसमें आई डोंट थिंक देर इज एनी ब्रेवरी इन दिस। ये तो बेगैरती है, इसमें कोई ब्रेवरी नहीं है। आप जाते हैं फिर तोड़ते हैं फिर फोटो उठाते हैं, जनाब हमने बड़ा काम किया है, आई डाउट इट, आई रियली डोंट थिंक इट्स अ मैटर ऑफ शेम। साहब, आपने बोला कि हमें भी उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कोई डेलीगेशन जाएगा पीएम से मिलने के बारे में? नहीं नहीं, हम नहीं मिलने जाएंगे यार, हमको कहाँ मिलने देंगे वहाँ, अब जाएंगे अब उसमें क्यों क्या। चूँकि आपने कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की सर बात की, कश्मीर इशू पर हमेशा सख्त की मौकफ रखने वाली और यहाँ का एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर जो है हमेशा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस रहा है, और रिसेंटली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर को गवर्नमेंट ने सील किया, उस पर आपका टेक, साथ ही दूसरा सवाल चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन ने दो दिन पहले स्टेट दिया चाहे कि जो करंट रिजीम है इसके साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस या है इसे कैमरा मिली हुई है, योर टेक ऑन दिस? यार मेरी तो फैमिली में मेरी सिस्टर का हुआ है, उनको शर्म आनी चाहिए, इसी बेशर्मी से वी आर हेयर बिकॉज ऑफ दिस बेशर्मी। अब कहाँ गई वो ए टीम बी टीम, मेरे घर में नहीं चला बुलडोजर क्या? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? बड़े लैंड ओनर्स के खिलाफ करना है। और एक और चीज मैं भूल गया, मेरे पास भी लिस्ट है, हम वेट कर रहे हैं जो सबसे बड़े लैंड ओनर्स हैं, मेरे पास लिस्ट है, जब ये सब किया बिकॉज दे आर वेरी 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 बिग, जम्मू है कुछ और कश्मीर में कुछ। आई डोंट नो वाई दे आर इन्वेंटिंग होमलेसनेस, दैट्स ऑल आई कैन से। हमने भी जो देखा हुआ है इसमें, मतलब पहले हमने बोला था कि हम गरीब को टच नहीं करेंगे, आई थिंक दे नीड टू डिफाइन गरीब क्या है, किनको इनको होमलेसनेस, इट्स अबाउट यू नो इवन इन फॉर इन रिच कंट्रीज अगर कोई अनएम्प्लॉयड होता है उसको डोल देते हैं कि भाई साहब आपके वो तनख्वाह नहीं है आप यहाँ से गए। ये जो इन्वेंटिंग होमलेसनेस है, क्रिएटिंग होमलेसनेस है, दिस इज इन इकोनॉमिक्स। सेम थिंग हैज हैपेंड इन इजराइल,
जो ये बुलडोजर अभी चल रहा है इसके खिलाफ उन्होंने इंडिकेशन दिखाई नहीं, नहीं, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उस पर क्या बताएंगे, क्या आपको लग रहा है कि दैट स्टेटमेंट हैज सो मच वैल्यू? मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बताया, आप मेरी बात सुनिए। इसका विरोध करना चाहिए किसका? एनीथिंग दैट स्टॉप्स, अगर ये कल बोलते हैं हम इकट्ठे हो जाए, मैं अभी हो जाता हूँ अगर ये रोकते हैं। पहले बोल तो देंगे कि भाई इकट्ठे हो जाओ तो हम रोक लेंगे। सो लुक, आई विल टेल यू समथिंग, इट इज माइट वर्सेस राइट, इट इज नॉट द लैक ऑफ पॉपुलैरिटी और दी, और इनकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है जिसकी ऑन द बेस, इट्स नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। It is not the, it is because they are in power, they have police with them, they have security forces with them, they have power with them. They are doing it because of that. Aap aur main ikatthe hoon, alag hoon, I don't think it will change their behavior. Sir, why to wait for a call, but have you started by our own? Matlab? Hum kyun kisi ki call ka wait kare, let anyone, matlab call us for to get a joint gathering or whatever, so for the people. हम अपने एंड पर, आई टोल्ड यू वी विल सर्टनली डिस्कस। मैं देखो यार, एक चीज़ है, कोई चीज़ एक्सेसिबरेट नहीं होनी चाहिए। आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली दैट यू आर नॉट डीलिंग विद अ नॉर्मल इशू, यू आर डीलिंग विद एन इशू वेयर द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर टेकिंग दिस डिसीजन सीम्स टू बी डीपली, दे सीम टू बी डीपली डीपली साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब। सो यू आर नॉट टॉकिंग, यू आर नॉट डीलिंग विद अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पीपल, यू आर टॉकिंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर प्रोबेबली साइकोलॉजिकली कुछ डिस्टर्बेंस है, प्लस टेक्स भी हैं बहुत ज़्यादा उनके इन अ सर्टन स्टेट ऑफ अफेयर्स। सो लोगों को ऐसे धकेलना या बोलना जनाब मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वी हैव लिमिटेड ऑप्शंस, दिस इज़ एन ईरा ऑफ हेल्पलेसनेस। लेट्स होप दैट समथिंग फ्रॉम द टॉप कम्स, और लेट अस होप कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट यहाँ एक और IAS ऑफिसर था बहुत बड़ा, उसको भी लगता था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अभी 8 घंटे क्वेश्चनिंग हुई उसकी दिल्ली में कुछ दिन पहले। ये मेरा अल्लाह इन सबको क्वेश्चनिंग में पहुंचा देगा। ये जो होता है ये रहता नहीं है, वो दे रहा है वहाँ टाइम CBI के पास। मेरे शबनम को माई सिस्टर वॉज नॉट गिवन एनी नोटिस, एंड मुझे उसमें कोई बात नहीं, उन्होंने किया उस पर, आई डोंट वॉन्ट कि भाई क्यों किया, बट नो, लाइक एवरीबडी एल्स ही वॉज नॉट गिवन एनी नोटिस। नहीं, डेमोग्राफी डोंट लिंक इट टू दैट। यार प्रॉब्लम आपका ये है कि आप अच्छे केस को भी खराब करते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दैट इज व्हाई वी आर हियर सो हेल्पलेस। यार वो दीवार फिल्म थी, वो किसी ब्यूरोक्रेट ने देखी है, वहाँ उसमें बोलता है वो अमिताभ बच्चन कि जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से खड़ी होती है। तो इनका भी यही है, जो ये बोलते हैं वही कानून है। सो ये जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अमिताभ बच्चन ने दीवार की, जो ये बोलेंगे वही कानून है, जो ये नहीं बोलेंगे वो कानून नहीं है। सो व्हाट डू यू डू, आई मीन टू से दिस इज हाउ दे आर, ऑल वी कैन डू इज यू नो जस्ट प्रे एंड हैव सम स्ट्रेटजी एंड ऑल्सो टॉक टू एंड यूज सोशल मीडिया टू सी दैट the issues of humanity, the issues of poverty, that we are able to advocate and highlight. Wo ek